السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا شريك اشهد ان لا اله الا الله <applause> اشهد ان لا اله الا الله <applause> اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> <تصفيق> काशिफ़ है और लाइट भी जला दें अ सामने ला हवरा बला अल्ला बिल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى بارك محمد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل محمودا الذي وعدته <applause> الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى

फा मेनू है वरुसोले वैनू व वततकु फला घुमा जड़ो नाजी वाजबल हैतराम सामे ने किरान दीन दरकज महावर अगर तलाश करिए सारा दीन किस किली दे द गिर घूमता है चक्की वेखी खरास देखा शायद ना पता भी होना दूसरिया चीजा चल प ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪੀਸਦਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਤਬੁਰ ਰਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੁਤਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਕੁਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ دین ਦਾ ਕੁਤਬੁਰ ਰਹਾ ਅਗਰ ਤਰਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਮ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰਾ دین ਕੁਮੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਗਾਹ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੁਪ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਮਿਲਦੇ जन दो खसी नहीं वेहद अब सुहाब कबरद नहीं वेंद्दे वही उतर नहीं वेंद्दे कुछ नहीं जानते असी साढ़े सिर्फ एक गवाह है जिंद शहादत एतमाद करके असी दीन मनने वो अल्लाह का रसूल आ ली है इस बारों अल्लाह तला आंधा कि यकून रसूल अलैकुम शहीदा आ लोगो थोड़े तो सामने रसूल दीन की दी गवाही देंदा याजर आ ना नाजर कुछ नहीं माना साफ सीधी गल दन की शहादत वह बयान ऐलान इस तावे तो कुर्फी रहमत लाला फरमाते शहीद जरा कुरान ने पा के रसूल आता उम्मत ली आता कि तुम्हें लोगों से गवा जे उम्मत ली भी आतकू नादारण नाश तु लोगों से गवा जो हाजरी नाजरी कोई नहीं जान के बहसमें लोग उलझा देंगे दीन का बयान करने वाला ऐलान करने वाला मुबइिन साढ़े सामने रसूल ने बैदान किया उम्मत की जिम्मेदारी गांह लोगों ने तो दीन सारे दी बुनियाद सिर्फ रसूल की शदाकत ये अगर इतमीनान ना रवे बंद नु कि गवाह सच्चा दीन डोल जाता दीन नहीं फिर कैम रह सकता दीन की दी सारी इमारत खड़ी है सिर्फ इस गल से भी आदमी नर गल शक हो स मगर वो आखे बाने पाक तो जी मुहम्मद मुस्तफा सलसद हक़ तो सिवा कुछ नहीं निकल चुनाच वह हदीशे पाक जड़ी कि सी अपने सीने ते सोने तरफा ना लिख के रखनी कि हज़रत अब्दुल्ला बिनर बनास रजी अल्लाह तुम पढ़े लिखे साबी रसूल करीमरे सलाम को जो कुछ सुनते हैं वो लिख लेंगे लोगों ने बकवास शुरू की मुसलमानों को कई सौ साल बाद चेता आया बेनबी की गल लिखीए यह हदीसा जी बात बनी यानी रसूल करीम की इन दुनिया बखता ए, 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 के दल से मुनक ने हदीस जिनी कायद आदमी आ इकबाल दी है इन्हना की एक गल नोट करने दुनिया अन्नी हो रसूल थी और आखिरी की समझते भी उम्मेल ने कोई परवाही नहीं की सूर्खी आलाज की नहीं तो बात तो बात तो बात इसको तो व्डा कलमा कफर कोई नहीं लोगों ने दिलों से भी उन्होंने याद किया लिखने लिख भी लिया अमल ने उससे अमल भी शुरू करता इस तो आपका हुजरे च नहीं कोई बयान किसी को याद नहीं वो प्रैक्टिकली माशरे चल जाता इस तुँ कई तरह महफूज हो गया रिवायत भी किताबत के जरिए भी और अमल च भी गुम नहीं हो सकता से दीन आखिरी नब्बी का दीन गुम रहा कि तो यह हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ए मुलास रजीला तेनों हदीसा लिख लेंगे और उस किताब ने का ना इन्हें साबका रखिया कुछ साहबा किराम ने आख्या अब्दुल्ला तू यार हर गल रसूल करीमलाम भी लिख लीना तेनू पता कि रसूल करीम इस्लाम बशर है कभी राजी हूँ कभी नाराज होंगे कोई चुन के गलखिया जीन दया ग आप कई बार गुस्से कि कलान दे कहीं राजी हो कहीं लिखने चाहिए आपने फरमाया भाई इस बारे में मैं रसूरे करीम सलाम को इस्तेसाफ़ कर लूँगा भी राय मरूम कर लूँगा भाई नबी सलाम किया जदों पूछया ओ से फिदा अभी रूही जहान सारा जरा कुर्बान है एवें नहीं आला हजरत फाजल बरेली रमत ने क्या तेरे नाम पर करूँ जां फिदा ना ये जां फकत दो जहाँ फिदा नहीं इससे भी मेरा जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहान है अल्लाह का रसूल को छोटी क्या जान है मुसलमान की ईमान की रूह है रसूल नहीं रहा दीन रहना की है जदों तो पूछा हजूरे पाक सर सलमन आपने अपनी जुबान मुबारक वाले इशारा करके फरमाया वल नफसी बेद ही सलाह की कस्म है जो हथ मेरी जान है इस जबान चो सिवाय हक दे कुछ नहीं निकल रहा। मैं फिर आम ही आदमी होया ना जो जो मर्जी कह देना मैं अला रसूल हाँ बशर जरूर हाँ मगर अल्ह की हिफाजत चाह अब दुल दुबरा रोक टोक हर्षाल हाँ तो मकसद की बेदीन सारा ना है आदमी ने इस गल से इना यकीन हो गया पहाड़ हिल जाए तो हिल जाए अल्लाह के रसूल की गल शक नहीं होना बस यहाँ ना सलाम और इमान मगर इस गलू साबित कर ली भी कि अला रसूल बाकी अल्लाह के रसूल है जो तो किस दुनिया से देखते हैं झूठे लोग भी नबी बन पे साढ़े दौर बने बहावरला बने इतने गुलाम अहमद बने ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਰਸੂਲ کریم ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ دین ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਿਆ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਸੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਰ ਭਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਵਾਉਣਾ कि जी खातर अं जाना चाहे वाला का सचा रसूल है हजूर की शदाकत से लोगों के सामने लिया इस तुम तो शोभे का नाम फिर दलायल उन बबत हो गया हदीसी की किताबा जखरिया किताबा जिन्हों का अनवान ही दलायल उन बबत दलीलों के अलासूल आप बाकी किताबा ज तो सुन रहा का मसायल है ना बे आपने आप फरमा उन्होंने सिर्फ दलायल है कि हजूर नबी क्यों मन रही तो दलायल चो एक शोभा अगे एक किस्म जी है और सूर करीम अला सलाम दाउल गैब है हजूर ने जिड़िया गैब दबर दसिया ना क्या होना और बाकी बाद हो ये आपदे अल्लाह की तरफों सच्चा नबी होने की दलील है यह कुरान ज़रा मैं पढ़िया सूर आड़े मराली झेला नहीं फिर माया कि अला तला काम नहीं सार्वब दसता फिरे उन्हें सारा कुछ पा के रखिया मा कान अल्लाब मा कान अल्लाह चला गैब तुम्हें सारे त्वको रख कले कलू अल्लाह दस देवे ये काम कम उन्हें करना मैं गैब नहीं हर एक उन्हें दसना वरा किन अला तबी मेरे मई शाह अपने रसूलों से जिन चुन लिंदा इस कमरी तो उन्होंने गैब जी कोई खबर दी जाए चुन दिया बिल्कुल अल्लाह जो बरगजीदा होंगे अल्लाह ना उन्होंने मामला इस तो अल्लाह तुम गैब जी इतलाह ली चुन इतला अल्लाह इतलाह दिता पा मेनू बिल्ला है वरुस उ तो दीन मनना तो अल्लाह मनो अल्लाह अलां मन का तरीका तो वो रसूलों को मनो ए ना जरा लाया यानी तो मन अजे नहीं मैं रसूल को बखरा अल्लाह पर ही मान लो यानी रसूलों पर ही मान लो अल्लाह नहीं साफ आना थोड़े सामने अथफे तफसील समझ कि अला है यानी उसके रसूल है वो बंदे ही है मगर थोड़े लिए अला सिर्फ यह रसूल ही है जो कोई वो तरफ चाहते मई ते रसूल आप कदाता अल्लाह जरा इन्ह रसूलों की मनूगा ये को कला तरफों कहें वैन तो मैनु तत्ता कु फरक मजो नजीम जे तुम इन करोगे अतबार तो मुड़ के इन्हों के दशे के मुताबिक अपनिया जिंदगी बुराई तो पाक कर लोगे बच जाओगे बुरे कामों फैलक मजरों नजीम फिर तेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है यह तमहीच हो गया कि नबी दी दाकत दीन का मुढ़ नबी कर रही बहुत दलाल पिछले खुत भी सुनो कई बेचारे परेशान हैं वो किताबा तो छपड़िया चाहिए इबनितामिया रमतुल्ला अलजवाब सही और हिदायत بن قیم دی ایسے طرح ا جڑا حصہ ہے کہ دلائل جڑے رسول اللہ دی نو باب دے نا تو انباء الغیب کہ غیب دیاں بڑی بڑی خبراں آپ نے دتیاں کون جاندا کلو کہ میں نہیں جاندا بیا ایک سیکنڈ بعد میرے نال کی ہو جانا کئی سال اون واڑیاں گلاں پہلا دسنی ہیں اور روزاں ہی سچیاں نکڑیاں جتنا دسیاں اے نا جے رسول دا سچا ہونا بھی ثابت ہویا تے پیچھے خدا دا ہونا بھی ثابت ہے کہ جہان نو جڑا چلا رہا او دسدا بددا ہونی ہے ورنہ رسول کیویں دس سکدا کہ کلو کی ہونا उसको क्या जरिया? वही है कि अल्लाह इतलाह देंद इस तो अल्लाह ने क्या क्या होना होकर नहीं दुनिया को रोक सकी ये अलबिदायावन नेहाया इमाम अब कसीर कसी रहमत चौदह जिलदा च तारीख लिखी उन्होंने तो पहल छेवीं जिलद छेवीं जल्द का एक हिस्सा सिर्फ हजब अल्लाह सलामी पेश गई हैं एम तवजो दरिब ने कैम तैमिया रहमत जो किताब मिली जवाब सही चौथा हिस्सा उस बाई زور ਨਹੀਂ ਬੇਗੋਣਾ ਕੁਝ ਪੁਰਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੀਨ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵਰਨਾ ਤਾਰੀਖ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਦਾ ਵੇ ਉਧਰ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਅੰਬਾਉਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਤਾ ਤਾਰੀਖ ਆਏ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਦਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਪੜੋ ये किताबा पैलों तो फैलियां से जो तातारियों ने कोई जानता भी नहीं क्यों रसूल ने दस ये शाह वरी रतल किताब इजालत उलखफा खिलाफतल खलफा ये जो हुक्मरान आए और इस्लामी तारीख ये कोई सिर्फ तारीख है मैं इस तुम तो बयान कर रहा तमीद आने वाकत योग जड़े इस दीन के हिस्से में गम करना चाहते हैं कि उम्मीद जो कुछ हो फन साद उन्होंने जिक्री लोग मर गए मर मर नहीं गए दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी शख्सियत भी अगर कोई असर पहुँचता फलाने ने गलत किया ना वह दोस्ती आया इस्लाम तो निकल गया ना उन्होंने बुरा कह दहाक्या रसूल की शदाकत साबित होनी है कि बे खजूर ने आख्या हो होया कि नहीं वा तुम रोन बह जो जे बजुर्गों से इतराज़ हो गया बुज़ुर्गों बुरा क्या कि, कि किसी ने की कहना सूँ अपनी ही फिक्रिया मगर ये इजालात अखबा शाह साहब ने इदा ही लिखी सिर्फ ये कि शाह साहब उस लिहाज नहीं रख सके सही जईफ का जो लभिया कट्ठिया खर्चिया ये बारे चे दोस्त मौलाना इरशादला कसरी साहब का सी ए खरीद कर रहा से अरबीच करके ना यहाँ हदीसा का जरा मकाम किताब छोटी की शाह साहब बहुत जहीन आदमी से अल्लाह ने बहुत उन्होंने तो अब खरीफ पैदा वो नदीस देंगे नाल फिर वाक्य तारीख का लिखते दे। क्या वेखो हो और हजूर किन्ने सौ साल पहला कह रहे यानी पता चलिया भाई साढ़ेली तारीख उस तरह नहीं कि सिर्फ कहानियां भी पुराने बंद दलां छो ये वह ब्याहिर मुला कहेंगे ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਵੇ ਆਖਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਕੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਆਦਤ ਪੈੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਤੋ ਬੰਦੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਆ ਹਿੱਸਾ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਨਬਵਤ ਕਿ ਪਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਰੈ ਸਲਾਮ ਕੋ ਅਗੜ ਵਈ ਦਾ ਦਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਣ ਉਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਸੂਲ ਅਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਡੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਮ ਅਰਲਾ ਪਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਂ ਬਦੁਨੀਆ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੈਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਜੇ ਬਖੌਂਦੇ ਮਰਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ بڑا ਬੰਦੇ ਰ ਉਹ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਮ ਬਖਤਾ ਨੇ ਇਬਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ دین ਦਾ ਬਿੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰ ਕਰਤਾ ਬਨੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ बेमोजे आ जे इन्हों कुछ नहीं करंट भी आप मुर् देश ये हुक्म हो रहा इस साल इसमें कर रहे रसूल अगर खबर दे रहा क्यों नहीं दे रहा जाले कम तिलका मैनबायलू गैब दिन खबर जी अई के जरिए दसते हैं ताकि बैलेंस कैम रवे नबी का सच्चा होना भी रवे तो खुद भी ना उन्होंने बना लिया जाए पिछ समझा जाए खुदा दस खुदा जो खबर दिता उस वही के जरिए आप दस दी तो एक पेश च पेशगोई जी महीने पूरी हुई जिक्र भी करना जरूरी है तो रसूल करी मतलब सलात वसलाम ने एक शख्सियत फजाइल का मौका नहीं और कोई मुसलमान ने फजाइल तो वक् भी नहीं हज़रत सही दिनों उमड़े बिनखताबर दायल जसूरे करीमलाम का इन्ना ही कहना काफ़ी है कि तो मैं जन्नत दाखिल होया तो मैं महल वेख्या तो उधर एक औरत वजू थी मेरा जी चाहे मैं उस महल की तरफ जावा मगर जो उस औरत सोचा तो मैं नहीं उधर गया तो पुछा मैं हल्केला सही बुखारी ज अंदर तो उस वेल अल्लाह के फरिश्त ने दस्या कि महल एक कुरैशी का मैं क्या कुरैशी तो मैं ही उन्होंने आख्या नहीं उमड़े बिने खताब और ये उन्होंने होर है यी जनती बीवी उन्हों की बैठी वजू दी है हजूर ने फरमाया उमर मैं तेरी गैरत पर उधर नहीं है उम्र की बीवी है हज़रत उम्र रोह पै कहारे तो बारे में भी कोई गैरत सोच सकता तो थोड़े बारे च की शुभ मगर पैगंबर से इतिहास देखो उस दुनिया खाफ जी कि मैं क्यों जावा एक औरत हूँ रसूल जी बचियाँ उमन की बेठिया किमें बेपरता कर दिखियाली चेहत हर जगह है दुकाना चढ़ दतियां यानी औरत जिन समाता कि आओ जिन्हें मुलणी लै जाओ कोई उस तौबा 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 अल्लाह के रसूल के दीन का कोई रैन दिता तो हजरत उम्र रजी अल्लाह तौला बारे रसूल करीम सलाम ने जो दस्या दो चीज़ा बयान हो चीज़ा तो इन भी एक ही शुरू रखा तो उमर उजरते मौजूक छोटा रसूलता मगर हज़रत उम्र रजीन इसको चुनिया जिमें पिछले दिन मुबाहरे का सुने कि चौबी तारीख आया, छे दिन बाकी से इस दिल हजदे अगला साल चढ़द कि उस दिन मस्जिद नरबी अंदर हज़रत मीर मीन अरे मिन खत्ता ने अल्लाह अकबर किया फजरली जालिम फैरोज ने जरा लोला पुस्या खंजर वह दौतारी जरा जहरालदा किया अगे वध्या आप आपने उन्हें खंजर मारिया जख्मी होकर डिग गया आप आख्या मैंने तो कुत्ते ने खा लिया अबुररहमान बनाओ फिर रजीन आपने अगे उन्होंने छोटिया जो दो सूरत पढ़ा के नमाज खत्म की मगर वो तेरह बंद जख्मी कर गया पिछली लंघता गया तो छुरे मरता गया जिन्हों बहुत सारे होर भी शहीद हो गए हदरत अमृत दिन बाद जो लोगों ने उठाया तो फिर बेहोशी जड़े बाकी दिन गुजारे छब्बी तो 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 से उस वे दिल हाजी दिन हदरत अमृत दिन जख्मी किया गया तो फिर जैसे बेहोशी ज़्यादा होंगी जाए तबीब जड़े से उन्होंने दवाई लीती मगर वो निकल जाए जख्म के रस्ते उन्होंने आख्या मील उन्होंने जिंदगी की आस कोई नहीं रही जो कहना हो लोगों को कह सुन लो किस्सा खत्म है आपने फिर छः बंदे मुकर करते कि मेरे बाद जहाँ जो किसी खलीफा चुन ले ना तो रसूल करीम अलम ने उमर अजीम की हुकूमत के बारे जी पेशगोई कर दी कि हुकूमत करूँगा ना नहीं लिया मगर ये हदी से पाक जी तुम्हें तवज्जो करनी है कि अल्लाह के रसूल आलाम ने पेश भी दस्या कि मेरे बाबू बकर आना वह दौर किह जहाँ तो जोड़ा उम्र आना वह दौर में तो नबी ए करीम अलैहि वसल्लम ने खाब एक दिन बयान फरमाया उड़ी तो फिर मुना मिया अन्दल बकरा करी ऐ बुखारी शरीफ है और यह समझो सत्तवी जेलदयाल फतुर बारी जी फतुर बारी इकताली समझो सफ़ा त हदीस नंबर बुखारी शरीफी तीन हज़ार छे सौ बयासी और यह तबीर रोया चाह जित खाबाद का बयान उ फिर दुराया कई बार साहब लिया तो रसूल करीम असलाम ने फरमाया कि मैं ख्वाब वेख्या कि मैं कुएँ तो खड़ा तो बहुत बड़ा एक डोल है जिदे जरिए मैं पानी खिंच रहा फजा अबू बकरन फनाजा जनूबन ओ जनूबैन नजन जई फन वल्ला जफर फिर अबू बकर आए इन्होंने वो डोर मेरे को फल लिया तो एक या दो बोके क्ढे इन्होंने मगर ये क्डन च कमजोरी जड़े बोके क्डे ना ताकतवर बंद अर्गे नहीं क्ढे कमजोरी मैं क्या अल्लाह माफ़ करे ये हजरत आबू बकर कसूर नहीं ना कोई गल जे दे आप दे दो साल खराब किए लोगों ने कुछ जिकात तो फिर गए कुछ रात झूठे नबी उठ खड़े हुए उन्होंने उम्मत बना लिया कुछ दीन तो ही फिर गए है सिर्फ मस्जिद दो तेन रह गई जिते जुम्मा हो रहा बाकी पूरा अरब दोबारा जरा उ कुफर के झंडे चुल गए लश्कर ही लश्कर मदीने तुर पै फिर बूटा पट दौ दीन कदम आपे फिर गए कोई इस्लाम तो मुकर गए कोई झूठे नबी मुसैमान और असलदनसी और कुछ जोड़े से जिकात तो बह गए उस वे बिल्कुल हाल ये हो गया कि इस्लाम जरा बचाव मुश्किल है बड़े बड़े दलेर काम गए हज़रत ऊ बकर तला हज़रत उमर रजी जैसे बंद ने आख्या बे जकत आलिया अबू बकर दे यार कलमां से दे पढ़ देना छोड़ो इन्हों नहीं देते दे दे। हो रहा बड़ी ये काम हो गया खराब फितना बड़ा है मगर हजरत ऊ बकर अल्लाह तारा ने उस वे इसका दी ਇਹਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੁੱੜਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ دین ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾ ਫਿਰ حضرت عمر ਦਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਲੇਰੀ ਹੋਈ ਫਿਤਨਾ ਕੁਚੜਿਆ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾ ਡੋਲ ਖੁੱਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਰਹਿ ਬਹਿਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਬਸ ਉਹ ਫਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹਿ हालात जरा उन्होंने सैटल करते रहे मुस्ताखम किया और मैं ना एक जरा कर गया काम है ठीक हर तो उम्र से कम बनया बनाया लभ गया वरनाए उन्होंने पेश आता नहीं उन्होंने दौर भी इस तरह ही गुजर जाता मगर वो दो ढाई साल च हजरत वे फित कुरे मुतद्दीन का खात्मा किया झूठे नबिया दिरागर किया इस्लाम नमें सिरे से कायम हो गया ये तो फिर मैं वे पानी खिचण कमजोरी यानी दौर जरा इस तरह ही गुजरना है फितना च सुम जाऊ उमर उल खबर उम्र खताब फस्त हारत गरबन फिर उमरे बिने खत्ताब आए उम फस्त हारत करबन फिर वो डोल छोटा जा नहीं रहा बहुत बड़ा मश्क बन गई बहुत बड़ा मशकीजा बन गया फलामारा करीजन या फ्री फरी आओ रसूल करीम सलाम फरों मैं योजा कोई जवान नहीं देखा जरा इन्नी ताकत ना बोके क्ढे जिन्ना उमर ने खर्च कर ऐसा अवकरी देखा जीनिय आदमी बेमिसाल बंदा कि इन्हने अखीर कर छड़ी बोके कत्ता रावे अन्नास लोग सारे सैराब हो गए दुनिया पी पी के रज क्या पानी दुनिया जा वजारा बू बतन और बिल्कुल जिमें ऊठ रज के बह जाते ना अपने अपने ठिकाने टेक ये हजरत उम्र जिला बारे पेशगी गल खोल के दब्यान की करनी सी खाब अपने जरिए दस सकता के बाद होना है इस तो हजरत अमर जी का जमाना जो मर्जी को चूणों चुरा खड़े गिले छिके सारे होंगे ही है किसी सारी दुनिया से कौन राजी हो सकता कोई आता मेरना ऐ नहीं ठीक हो कोई बात नहीं तो बशर हों कमजोरी भी होंगी मगर यकीन जानो अगर हज़रत उम्र तो बाद कोई उम्र एक होर नसीब हो जाएगा तो सराम अच तक इदा ही रहना मगर उम्र ना पैदा हो मर्जी है ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਤੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦਰਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਜ਼ੋਦ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਯਾਰ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਡਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਸ ਬਾਣਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਗਰ ਉਮਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਥੇ ਨੂੰ ਕੋ ਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਕਿਚੀਆਂ ਕੋ ਮਹੱਲ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਮੇਲਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮੀਰੋ ਮੇਂ ਮੇਂ ਲੇਟ ਆਏ ਲੋਕ ਟੰਗ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਮਰ ਆਈ ਰਾਏ ਜਿਸੇ ਤਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੜੀਕ ਦੇ ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਕਹਣਗੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਜੈਸ ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਸਾਮਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੁਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧੋਣਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਕੁਰਤਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ मर रखीम मुहद सिंह लिखा लोगों ने वेख्या लो किन्ने पैबंद लगे टाकिया सी ऐसे हुक्मरान दियाँ जरा उस वे अफगानिस्तान तो लैके कितों तक राज कर रहा हूँ आदमी खा मब जनी तो हो जाए तो अली की फिर की गुवाही होगी तुझे लोग कहे वह भी ड्रामा ही से की बनूंगा पे? इस तरह ना करो अल्लाह तो डर जाओ कुछ दसो खुदगर्जी कोई लालच कोई नफा कोई नहीं और दस साल के अंदर हुकूमत को इस तरह मजबूत करता फिर सिर चुकन भी, भी जगह नहीं रहा हजरत वो बकर वंगू नहीं फिर कोठिया वे बाद चु फिचने पाए काम सब एन सैटल्ड हो गया दुरुस्त हो गया ए तो दौड़ जोड़े थी दोवे उन्होंने हजूर ने आख्या मेरे बाद बकर ने डोल खिंचे कमजोरी है दौड़ खिंचने कुर उमर का जमाना जरा हो भी बहुत वाला गया सैल्त बहुत राजी तो दुनिया भी राजी बिल्कुल सैराब होगी ठीक है हजरत उम्र जी ने आप जो फटे कपड़े पहने पहन बच्चे भी वो भुख कटते रहे मगर दुनिया खुशहाल हो तो बंदा जरा सल्तनतों नहीं चाहता बे मैनू कोई नहीं मिलता बल्कि एक वाकया बयान कितिया में बगैर नहीं रह सकता जो शाम का आपने सफर किया तो साथियों हट के लांबे चले गए एक खैमे च औरत बैठी देहाती उन्होंने की पता से मुसलमाना का हुक्मरान ना कोई बैंड बाजा ना कोई सिपा आपने उन्होंने आख्या अमा सुना उम्र के बारे चेरा ख्याल की है जरा हुकूमत कर रहा उन्हें आख्या क्यामत का दिन हो तो मेरा हाथ उपकर उम्र कृपान होगा हजरत उम्र वास्ते गल जी एड् वा जलसा स मुजफ्फराबाद का जलसला सामने कोई तो पर क्यामत का दिन और मेरा दामन फटिया आपने हाँ आख्या अम्मा की गल उन्हें अपने हालात दसे पर तू यदी इतलाह दें उम्र उन्हें आख्या नहीं मैं इतलाह दे की कही लड़ है अगर वह खबर नहीं लैसता तो उन्हें हुकूमत संभाल की कही लड़ पता करे नहीं पता करता तो निबल लाँग रोंद आए और आके अपने साथियों आख्या बैस अम्मा ने मैनु खलीफे और बादशाह का फर्क समझा बादशाह ऐश ली हूँ उन्होंने की दुनिया मरे या जीवे मगर खलीफा वो आ जिसे गढ़च रस्सा पै गया तू हम हुकूमत की कहदी कर रही है उल्टा खेदी है उम्मत का तेनों हिसाब देना पैना भी दुनिया दुखी रही है कि सुखी रही इस पारों याकबार रम चला ने हुकूमत के बारे चल कही उनकी हुकूमत से है फाश ये रमदे गरीब कहता जो दकूमत पढ़िया ये अजीब राज सामने आया रमजे गरीब एक अजीब नुकता उनकी हुकूमत से है फाश है रमदे गरीब सल्तनत अहले दिल फक्र है शाही नहीं ये योजाला वाले जो तख्तें बहेंदे वह का बादशाही करते ना ताज ना कोई रेशम ना कोई सोना उल्टा गरीबी मस्की अगला चौकस हूँ भी लुटाब तो हज़रत उम्र रज का दौर एहसास इस इसी से पाठ तो ही बाकी तफसीलदारण मौका नहीं किताबा मुफस्ल लोगों ने लिख दिए मां मैंने जोधी ने सिरत हजरत उम्र जला किताब लिखी साढ़े समर्थ महिला शिविर नुमानी रहमतुला ने दो जल्दा सीर अल फारूक जड़ी लिखी हवाले सारी दुनिया ज टून के भी बहुत चोटी थी किताब थी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जिदा का इंतजाम किया हजरत अमर रज मगर अल्ह के रसूल पेशगी दसता गया उम्र फौत नहीं होना कतल हो जा शहीद किरता एर पाकर सही बुखारी दूजी जगह से पढ़ा यई जगह से आई अल्लाह के रसूल सलाम् डर पड़ता दसता गया बे हजरत उम्र की किस्मत भी शहादत इन्होंने मौत तबी नहीं हो इस बारों एक दिन हजरत उम्र जी अल्लाह तला ने अदर से हुजैफा रजिया ने पूछा कि हुजैफा फितने के बारे बता हूँ बात फैल जाती तो फैलने डर कोई नहीं लजीज बूज हका दराज तर रब की किस्म है अल्लाह के अल्ला रसूल की बात छिर जाए मैं ना उम्र खत्म हो जाए मुक्नी नहीं चाहिए मुसलमान के पल हो रहा है कि सिर्फ रसूलला जी साहब हुजैफा रजीला तला जेजी के बयान करने वाले जिन्होंने पूछा अदरफमरें पहला तो अल्लाह रसूल का देखो असूल पसंद होना कि बदलते मौका एक एक बंद की लड़ तीन सौ तेरह बंद से रसूल को उधर हजार का लश्कर असला घोड़े कमजोर बेचारे लोग कई कोई तलवारा तक है उस मौका हज़र से हुसैफा रफी अल्लाह तला और इन्होंने वालिद असल नुसैल है हुसैन जी जै नाम है उसे हुसैल मगर जमान रखा दे क्योंकि उन्होंने आके इन्हना मदीने शरीफ के लोगों का वादा कर लिया दोस्ती पुराना हरीफ बन गया यमनी थी सारे औसर खदरत इस तो यमान यमनी क्या जाता असल हुसैल ये दवें बाप बेटा भी रसूले करीमलाम की मदली चल पै कि बदर चीनी भी जाके हजूरला साध दी रस्ते फारा असी पड़ाओ लश्कर उन्हें फल दिया उन्होंने आख्या तो चले जे रसूले करीम की मदली युड़ा उसमें कहा नहीं असं मदीने शरीफ में जा रहे हैं रसूला की मदद नहीं कर उन्हें छड़ दिता मुड़के दोवें बाप बेटा रसूले करीम अले सलाम को आए और आके गल सुनाई उन्हें कोई वादा नहीं ना कोई गलत अगर कहता तो कोई नहीं गल मगर कुरबानदी अला रसूले पाक अले सलाम से आपने हरवाया असी अपना वादा जोड़ा तोड़ना नहीं पूरा करना थी तो मदद मैंने लड़ नहीं तुम मदीने चले जाओ जो उन्होंने गल की पूरे रहो कोई काफर ना कवे कि मुहम्मद सलह वसलम परवाने और दीवाने जोड़े झूठे साढ़े ना की गल चले जाओ तो मेरी मदद ली अल्लाह काफ़ी बिल्कुल आप मेरी मदद करेगा तीवे बाप बेटा चले जा वाकयात जोड़े हजूर जी जी तब मैं ना जालम के पुत्र जो है हदीसा दफ्तर दरिया बुरु कर दो यहीं बोलते पिछे हो मुस्तर और काफर जोड़े ना यूरोप अमरीका बैठे वह हरामदे चाहूँ के आख्या जाए यदा दमें साजिश यदीशा साजा तो रसूलों का सारा तालुक ही रहना फिर पुरान जब तो यह समझ व्यवाह च आ गया फरिश्ता फटा गया सूँ जिमें नामी नबी पाकों ने लिखी लिखा एक किताब ही नबी की करता रहा किधर फिर की जंगा लड़िया किमें खादा पीता वो जिंदगी असं कितों असी बाद जो बदमसीब पैदा हो फिर करा कि रसूला का पाकों अगर मिलना चाहिए आपका कुछ पता इस हदीस के जखीरे कोई तो बर्बाद करना चाह इन्ह सा पहचानो दिन दे दुश्मन तरह तरह के इतराज करके हदीस चाह लिख्या जी हदीस चाह हदीस से लिखा जी कुरान च आ जाओगे बारी तो अभी कुरान चु फिर कट जाएंगे भाई दुश्मन तेजे चुमें इतराज कर दे डेढ़ सौ एतराज दया ने कुरान चु तो कट मारिया कुरान भी छर बना और काफर के दे जवाब देंगे सीना तान के मुकरण की लड़ नहीं हदीसा तो बिना कुरान तो मर्द बनो काफर तो डरद मेंन अपने बर्बाद ना करो आपने फरमाया हो जैफा तुम रमान मजीना मेरी मरली अला काफ़ी और दुनिया वेख लिया भी जो हजार से रसूला से तीन ते सौ तेरह से वागे च रहे हज़ार फरिश्ता कुरानी गवाई है सूरापाल की अल्लाह ने भेजा ये बंद रेहद वहां हजार फरिश्ता ही जेने मुसब मीह जिन्ह ने बैज लगया जरदिया तो होंगे ना इत मुसहबे मीह उन्होंने निशान लगाया ताज़ा चौथे तो समान तो टुमक आ गई है और रसूल करीम इस्लाम ने उस आख्या अली नू और अबू बकरू ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰੀਲ ਖੜਾ ਤੈ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਕਾਇਲ ਖੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਸਫਾ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾ ਜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਮਰ ਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ੈਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋਜ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਚੇਵੀ ਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਰਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਵੇਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਰੀ ਹੈ ਡਰਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਖਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਗਣੀ ਮਿਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ उन्होंने अमीर जिरे से सदरत अब्दुल्ला बिन बैर पिट रहा भी हजूर ने की आख्या बोटिया परिंदे नौज रैन पावे जि जा ये हेल्य हो ना चलेगा गए दस रह गया खालिद बने वरीद ने मौका पाया घोड़ा दसा पिछों दी लिया आके वो हमला वो जिरे से वो भी वो ए, कर दिया दस जड़े थे वही शहीद हो गए बेचारे मुसलमान में जो पिछले तलवारा बजन लगे ये माल कट्ठा कर लाए होश ही उड़ गया को नट गया कौन नट गया हजूर पागल तो बंद गिनती रह गए नौ बंद सारे रह गए दौड़ गया को आ पुराने पाठ ने सूराले इमरान की सारा दस्या भैस तो गलती पारों, उस गुनाह पारों, कितों तक हो नुकसान भे जंग हार गए रसूल भी जख्मी हो सत् सबी शहीद हो गए तो उस रौले रप्पे इना इन समझो लोग परेशान हो गए बे हज़रत हुजैफा के दे, वारद दे जड़ेना यमान उन्होंने ही सबा कराम कतल कर लगे इन्नी भी होश ना बे अपना बंदा के बिगाना बिलकुल बेहोहा हास हो गया हज़रत हुजैफा ने आवाजा दिखिया अभी अभी यो मेरा बाप है मेरा बाप मगर लोगों ने शहीद कर ना बच सके साहबी रसूल खुद अपने हाथों शहीद होजरत हुफा ने फिर भी यानी वो लोग मिट चुके अलासूल के दीन असं हालांकि बाप का कतल और दवाई पाने के बावजूद मगर आपने ही फरमाया फिर उल्ला अल्लाह मेरे भरा खुदाब बख्े और बहुत मेहरबान करे काम तुम माड़ा किया मगर अल्लाह माफ कर हजूर पाकू पता लगा आपने हुजैफा के बारे जो सुनया तो हजूर बड़ा तर्ज हुआ कि बाप मारिया गया और इन्हें बेचारे ने कोई दुख नहीं किया आख्या कोई नहीं अल्लाह मेरे भावों ने बख्शे हजूर पाक ने फिर आख्या मैं वो जीत जड़ी नहीं गलती जो मारे जाने खून बाह मैं खुद देना बैतुर माल से देना तो हजरत हुजैफा ने आख्या यार रसूला मैं वह माल मुसलमान सदका करना मैं नहीं लिखा बैतुर माल नहीं मैं कि गल करिए यार अल्लाह के रसूल ने आ दुनिया किदा बदली यो जोड़े शराबी से जानी से डाकू से और इन्हू कमाल मधमिया चाहते थे कि मैं इन औरतों ने जना किया हजूर पाक ने बदल दे इंसान ही हो रहा हो तो यह हुजैफा रजी अल्लाह तौर को जिन्हों के बारे च हजी से पाक और सारिया जिसिया साहबा जी होर लोग मसले पुछते कि यारसूला मसला की आह मसला की हुजैफा फितन का पुछते इन्हों फिक्रे हजूर तो बाद क्याम तक जराबियां होनी उन्होंने पूछना चाहिए की होना और उसमें बनूंगा इस पारों हज़र चमर रिन हज़ार पांच सौ छियासी नंबर तेजी से किताब और मनाक हज़र जमर रला तरम ने अन्न खत्ता रसूला हजरत चमर रजी अला तरम ने आख्या कि थोड़े चो कि रसूला दिन हबीसा याद है जिड़ियाँ आपने फितन के बारे फरमाइया कि आने वाले जड़े हंगामे होने फितने पकार आहो जैफाना आफज कमाकाल कह लगे हाँ जो कुछ हजूर ने फरमाया मैं सारे तो ज्यादा मैनू वह पता बाकी लोग जोड़े उन्होंने होर चीज़ा पूछिया मैं फितना पुछता रहा अरे इस बार बीनी किताबा किया जाता साहेब उस सिर रसूलिला ऐसा आदमी जिनों रसूला दे मार मसले तो नहीं जोड़े हजूर सारी दुनिया के दुआई जी पेश गोइया जिन समझिया किसी किस्मत वाले समझ लिया बाकी ये मसायल जो खालम आप सारे दस दी इमाम इबनिया असीर लिखते उस तिलगाबा तो अंदर के एक दिन हजरत उमर अजी ने पूछा कि वजैफा तेनों मुनाफकों के बारे हजूर ने बहुत दस जे मेरे गवर्नर को मुनाफक है उन्हें आख्या हाँ एक है दस क्या नहीं इस तरह मैं अकीबत गी करूँगा मैं नहीं दसना बंदा एक है वो मुनाफक है पक्के जिन्हों दल ने कुरान चख्या ला तम हम नाल और अल्लाह दे रसूर एडे माहिर ही नहीं जानता सिर्फ असुर इस तो मुनाफिक गडा तो गवर्नर जिक्र नहीं कह मगर रब जा करना आया उम्र भी जिस तरह हजी से पाक चाहता कि उम्र भी उस तरह जिमें पहलिया उम्र ऐसे बंद जे नबी नहीं सी। मगर खुदा उन्होंने कलाम करता से उन्होंने भी अला गैब दियाँ खबर देता से मिनगैरियाँ ही पूनम्बियाँ हालांकि नबी नहीं सुनते इस तो कदद यानी दजाल दलानेेश हो गई तो फलाने ये यो अल्लाह की तरफों वही हो ही आँधे इस तो असी नबी बन गएकी तौबा, तौबा 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 ना फरिश्तिया का क्राम करना नहीं नहीं कि नबी बनाते मरीज मेला सलाम बातें नहीं फरिश्तिया ने ची हजरतें सारा नहीं ची कि अल्लाह ने बेटा देना कुरान च नबिया हो गई भाई ना फरिश्त की गलबात नबी बना ना अल्लाह की तरफों को खबर किसी देती जाए बोल के अल्लाह कह दे खाब दस दे नबी बनाई नबी इन चीज़ ना नहीं बनता याद रखो नबल एक ऐसी खिलत है जारी सिर्फ अराहट होंगी नहीं खाब आ गया या कोई खबर सच्ची होके ये सब चीज़ा दिनिया मरल काबली होर उ गल जमें आपने फरमाया तू मेरेली इस तरह ही जमें मूसा हारून थी मगर नबी नहीं यानी बहुत हो यानी मेहनत ना या, कोई ऐसा ना मिलता नहीं है जिन्हें मर्जी कमाल कर दे जब तक अल्लाह इन्हें अनाउंस नहीं ना करता बू नबी है तो दुनिया को कह मेनू नबी मना चाह काफर हो के मरोगे ओना चेर वो नबी नहीं हो सकता शाह सही मौलाना शराब रहमत फरमाते एक आदमी ने इम्तहान पास किए सी एस पी किया डिग्री हैगी है। डी सी बनने काबिल है मगर डीसी नहीं उन्होंने रखवा सकता जब तक हुकूमत डीसी बनाऊी नहीं हाँ इस पारों हजरत चमर अजियों के बारे च ये कि मेरे बाद अगर कोई नबी हों बिन खत्ता ये काबिलियत है सारी तो हजूर ने जो बयान फरमाया कि पहलियाँ उमता च ऐसे बंदे सीख रब उन्होंने कलाम कर क़लाम मैंने कह रहे कूनम दिया मगर वो नबी नहीं होते थे तो हजरत चमरली भी आपने फरमाया कि अगर मेरी उमत को भी उन्होंने तो उन्हें नहीं दस हजरत हुफर उदा मगर आप अल्लाह तारा ने जितना और अरे माँ असीर फरमा आपने उन्होंने माजूर कर उस बंद नटाता गरी तो हजरत हुजैफा आख्या मैं नहीं जिक्र करना मगर इन्होंने दिल चला ने पाता क्या बंद नहीं ठीक हटा तो हजरत हुजैफा ने फरमाया कि मैं हजूर ने जो कुछ किया सी याद रखा चार हाथ इन्ना कला जरी तो हज़रत अमरजी को कह लगे छे सौ चार सब और यह दिल जड़ी है छेवीं है फतरबारी के हाँ हुजैफा बयान कर तू वाकई यार बड़ा दलेर से तो बड़ा जरी सू एना चीज़ों के बारे जुड़त करके हजूर पुछता रिहता

इस फितने का इलाज ज नमाज सदका और लोगों को नेकी का हुक्म देना थे बुराई तो रोकना यह चीज़ा मिटादियाँ रही ए माल औलाद फितना और रिश्ते ज कमिया पूरी होंगे नहीं, नहीं। कारत्य यहाँ नहीं मैं पूछता इस फितने की गल नहीं मैं कर रहा बलाखिने लड़ाती तमूह जो कमौजल बर उस फितने की गल सुना जी रसूर सलात सलाम ने सुनाया मेरे बाद जो इस उमत उठना ना तो जिमें दरिया लफा होंदिया समुद्र चेना लगातार मुसलमान क्यामत ही आ जानी मौज से मौज चढ़ी आनी कार आया मीरल मम्मी ला बा सा मिना हजरत हुफा ने फरमाया मीरल मम्मी तेनों उस फिचने तो कोई डर नहीं तू ना घबरा तेरे ना वो कोई चालक नहीं इन्ना बहना का बहना हा ब मुगला का ए लगा जो बुआ टुटन हजरत उस्मानी का दौर आन लगा नेक परहेजगार जुलम दरवाज़ा खुल गया फितने का परमाया उमर तू ना घबरा तेरे और फितने के दरम्यान एक बंद दरवाजा सील लगी हुई उस दरवाजे में तेरी जिंदगी फितने नहीं आ सकते हुँ? बंद दरवाजा तेरे और फितर के दरम्यान इस तू तो फिचने तेरे तक कद नहीं आने बंद काला युफता होल बुक्स हजरत समर ने पूछा कहो दैफा और दरवाजा जड़ा खोलिया जाना या तोड़ता जाना है मौत की गल कि खोलिया जा खोल तो यह दरवाजा जो नुकसान नहीं होता चाबी ले या कुछ नहीं खोल क्या कि पन तोड़ के सर दिता दरवाजा काला जा लक आहरा कला बल सर हजरत हो जाए बाबर मीर ममीन, और दरवाजा जड़ा खोलिया नहीं जाना तोड़ता देना जालमा ने पन देना दरवाजा कॉला जालिक आहरा अलगल फरमाया फिर तो होजैफा यही नजर आई मुड़ के नहीं बंद होना यह समझ फिर नहीं बंद होना फितरिया का दरवाज़ा जे तोड़ देना ना खोल दे तो शायद फिर के मिल जाता जो तोड़ ही दिता हम ए होना बे वो फिर नहीं बंद होना कुल नाल मन बाद बा जो हदी से बयान हुई उस वे फिर पूछया लोगों ने किजरत उम्र उस दरवाजे का पता यह गल जी इस तरह वह बजारतं पा के करते दोवें हजरत उम्र जानता तो दरवाज़ा के नाम कमाल दूना कदला कह लगे हाँ जिमें तो इस गल का पता लंबे अज तो बाद कल आना इस गल शक कोई नहीं इसे तरह उम्र बिल्कुल यकीन पता से भी वह तो दरवाज़ा कि तो टुटना की है तो भजना की है इन्नी हदसस दो हदी स लह सबलाद हजरत होजैफा फिर मैं मैं यार जो गल कर ना। मैं और मुगालते गल नहीं करता एवं कोई धोखे जानी है नवी समझता सी तो भी पूरी तरह समझता गल की हो रही वाहे तो बना न स लाऊ असी फिर राबिया का डर गया बे हजरत हुजैफा को पूछिए फिर बे दरवाज़ा की है तो टूटना की व अमरना मसरूकन फसा लो असा फिर हजरत मसरूक मैं नजदा आख्याे बहुत बड़े आलम है ताबी कि तू हजरत हुजैफा को पुछ कि मामला की है दरवाज़ा केड़ा के तो टुटना की है कारा मनिल बाप हजरत मसरूक ने आख्या उस दफा हूँ तो दस दे यार के दरवाज़ा केड़ा कारा उमर उन्हें आख्या दरवाजा खुद उम्र ही जिन्ना चर वो खड़ा सी फितने रोक ही खड़ा चरा गया फितने दरवाजे खुलक नहीं रोके पे यहाँ आऊगी अल रसूल हदीसा ना मैं ना जालमो हदीसा पढ़ाऊँ जे यफा ही लाभ किताब और फितन पढ़ो ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੌਣ ਤੌਣ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਬੇਤਾਰੀਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਾਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ और वो खुद एक साबी करो दस्ते कदम है वो सूरत शमशेर है दसते कदम बो कौम है याद रखो जे अखा मीट जी नहीं बुज़र्गों की गलतियाँ सामने आ जानिया जालमद पुत्र उन्होंने गलतियां पारों जोड़े उन्होंने बुरा केंद्र वो भी बेवकूफ है तुम आप किन्ने गुनाह करते इस तुम ये नहीं ये तो देखना है तो कितों सादम उखड़ गया जीन बन चलिया चला, चला जल खराब हो गया यह खुद साबी करनी भी सा गलती हुई है जिदे नतीजे चाहे यदा बुरा परा कहना नहीं ये रसूला देन समझने की बात सुरते शमशेर है दसते कदा मैं वो कौम करती है जो सुबह शाम अपने अमल का हिसाब जे रोजाना वेखन कि साकूमत की कर रही है साढ़े और मां की कर रहा है असी की कर रहे हैं अपना हिसाब कर उ सीधे राह से कौम रही मेरी अखा मील लैन बच्चे असं सोचना समझना बेड़ा गर्क हो जाता काफले मराह हो जाते इस तो तारीख का मुत कुरान का हिस्सा इन्ना आदमला सलाम तो ला रब ने नबी दे किसे लिखे वो चलिया गई कौम कौमे आलूद और कौमे हूद रात है कभी तो असाथी रला वाला भरतियाँ पुरानी पुराने अफसाने अफसाने नहीं एबरबद का समान है किस तारीख है जो बेगाना है दासतान है किस्सा है अफसाना है ऐ बेवकूफ तू समझना कि तारीख कहानियाँियां किसान का ना कहानियाँ नहीं हाफसे का ना है ਜੇ ਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਗੁੰਮ ਕਰ ਬਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵੇਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਬੋ ਸ਼ਤਮ ਨਾ ਜਨਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਪੜਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗਰ ਤਾਂ حضرت ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ حضرت ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਕਿ ਆ ਪਲੇ ਮਾਨ ਤੋਂ वो दरवाज़ा होर किसी खुद हजर तुमर दरवाज़ा और दूसरी जगह फिर बयान आ गया फिर तो प्य तोड़न का की मतलब फिर मैं कतल करना कतल ही किया और अल्लाह तारा ने अमीर उम्मीद जी दुआ ने भी कबूल किया जो बारे जो आप करते सारे सुनने वाले आए थे उम्र यार दिमाग ठीक भी है तू कि दुआ कर दा अल्लाह उमी ऐसा लुका शहादत तनफी सबीर है मौतन फी बड़ा देरूल है है अल्लाह मेरी दुआ है भी मैनू मारी रसूल दे शहर तो शहादत ही अपने रस्ते नसीब करे ए सहाबा किसी कि उमर शहादत शरादा तो मिलनी मदीने जहाद हो रहा शहादत शहीद दे जरा है वो कितने जंग जाऊगा सरादते उत मरूगा ना तू दो बेजोड़ शह किस तरह कहीना कि मौत ही बलत रसूल छो और शहादत ही मिले तो आप हाँ अल्लाह अगर चाहूगा दोवह कट्ठा कर अला कह तो मैंने शहादत भी नसीब करे और मेरी मौत भी थे और शहादत का ऐलान तो रसूला कर चुके थे वाजे हजीस भी कि रसूला और तो खड़े थी हदर से वो बकर साल ही हदर से अमर से ना ही उस्मान से रजीलानम तो हिलया पता नहीं अल्लाह की तरफों जल्ला आया रसूला से खड़े होने तो खुश होकर हिलया दो मकान कोई वही गई असं सिर्फ समझते हैं कि चीज़ा नहीं, नहीं जान कुछ भी बेवकूफ लोग है जमीन आसमान की हर शायद जान आ ਹਰ ਸੇ ਸਮਝੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਮਝ ਰੀਆਂ ਔਰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਆਬ ਬਾਦੋ ਖਾਕ ਵਾਤਸ਼ ਮੰਦਾਨ ਬਾ ਮਨੋ ਤੂ ਮਰਦਾ ਬਾਹਤ ਮੰਦਾਨ ਰੂਮੀ ਰਮਦੁੱਲਾਹ ਬੋਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸਪੜਨਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤਸਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਾਊਦ ਰਸਲ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਬੋਲਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਜਾਨ ਬਾਹਤ ਜ਼ਿੰਦਾ हक के ना जाना खुदा गल् कर वही करता गलियाँ सुनते समझते अमल करते पाक चाहता कि तस्वीर कर दी हर शह रबी नहीं सिर्फ जान अल्लाब रसूल सलाम ने खुद कई मौका से फरमाया कि तस्वीर देवाद हजरत सब इमे मसूद फरमाते लोग बरकर जमाना वेख्या कि खाना खा रहा है दिल्च सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खाना बोलना यह पर्दा है अल्लाह जमीन बोलूगी हर शह बोलू कि तू कि करता दा इन्हों खोश रब ने कराया। तो वह हेल्या रसूले करीम सलाम ने अपनी एडी मुबारक मारी आख्या उसमु खड़ा हो जा तेरे ते सिर्फ एक नबी है सिर खुदा सा खड़ा सिद्दीक खड़ा शहीद खड़े सही हदीस पाक मुसरम बुखारी सारे कैसे नबी है ते सिद्दीक है और शहीद है ना। कौन चाहता से उस बिना शहीद होना हजरत उम्र भी लोग आते तू मजीने बैठा कि शहीद हो होया क्या हाँ फिर जमात करवा खड़े अल्लाह अकबर क्या ही है तो धालम विचों ही सब तो अगे बढ़िया शहीद कर दे और फिर आखिर हाल भी भीने इस्लाम तो मजलूम हो गया बिल्कुल जिमें आपने फरमाया हरमाया गरीब शुरू होया तो गरीब हो जा गरीब का मतलब है भुखा नंगा नहीं अजन भी पहचानना ही किसी नहीं भी दीन बेचारा किधर है परदेसी हो जाए यानी मुसलमान बच्चे बच्चे कोई खबर नहीं रही ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਆਪੂ ਡੇਢ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਐ ਐਸਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਬਖਦੀ ਈ ਤੀਏ ਉਮਦੀ ਮਾਂ ਰਸੂਲਾ ਦੀ ਬੀਲੀ ਉਮਮੇਲ ਮੁਮਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਾਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਤਾਲੀਮ ਫੈਰਾ ਰਹੇ ਗਾਲ ਇਸ ਗੁਰ ਖੋਲੇਆ ਖ਼ਬਰੀ ਕੋਈ ਨਾ तो रसूल करीम सलाम ने अपना ठहर जा इन्ना मार है कसि नबीन वसिद्दी खुन शही तो हजरत चमर रजीला नो दीन दी की किन्नी फिक्र है सही बुखारी जी जो शहादत का वाकया बयान हो जख्मी हुए कभी होश आवे कभी बेहोश हो जाए तो एक नौजवान भी खबर ले आया तो आपने देखा जा रहा नौजवान तो वो चादर जमीन त जा किसी गिटिया तो थल आपने बुला के आख्या बेटा कपड़ा जरा गिटों तो उचे कर एक कपड़ा जो पाक साफ रही एक रूट तो आदमी बचता अलासूल का ये होता उस हाल ची उन्होंने अपनी होश नहीं कई बार बेहोश हो उस भी ख्याल है भी इस बेटे को ठोकना चाहिए खिलाफ क्यों कर तो फिर वक्त ऐसा आया बेहोशी तारी नमाज पढ़ के फजर जी लोग आए उन्होंने हिलाया और आख्या मीर मैं नमाज होश आई ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੁੱਢੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਆਮਤ ਉਹ ummat ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੀ ਕਿਆ ਬਜਮਾਤ ਹੋ ਰਸੂਲਲਾ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਪੜਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਪੜਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਆਪ ਦੋ ਪੜਾਉਣਗੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ उम्र बड़ी लड़ाई ही हुई ना। माल लुट हो माल लुटते फिर उदो मुलग अल्हू योजना लड़ाइय का की फायदा यह जहादा क्यों सुाप दे अलाह का दीन दे जो कि मरना जमना दसदा सिर्फ एक दीन कायम करना इस तो मैदान है जंग चील माता तो हजरत उम्र जी ने दस हरमोन होश आई पूछी कह लगे मीर नमाज आप हाँ भाई नमाज के ना उसकी की क्या ला हजा फल इस्लाम एल मला जरा बंदा नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम कोई हिस्सा नहीं ਅੱਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੋਂ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਰੱਖੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਅਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਅਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਮ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਿਰਕੀ ਕੋਂਦੇ ਜਿਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਲਹਿਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਜਰੇ ਸਾਦਗੀ ਐ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਖੂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਾਲ ਨਹਾਰਮ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਦੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਦੋ ਸੌ ਨੌ ਡਿਗਟਿਆ ਦੋ ਸੌ ਨੌ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ કે મેરે માર્ગ ને નવી શાન તોણા હોન કે આ દિન ਦਾ ઇફતતા કરના ઇફતતા હોંદે ના તે લોગ ખડે હોંડે પ્રેસિડેન્ટ આ રહ્યા વзир ભઈ અલ્લાહ આ રહ્યા સચ મટ કે રાત ખતમ ઈશારા દેતા હા સયજ પેગ ઓર શામ નું તુસી બેંદે દિન મુકા کاروبار દા રાત શરૂ હઈ કે મે હું તારા વાસ્તે આરામ દા ટાઈમ બળાયા સૂરજ તેદ રાખી સી લાઈટ હણ ડેમ કરતી મદમ કે તાનુ તંગ ના કરે ચંદ હણ સોના તુસી ઓસે ભી ખડા ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬ ਮਨਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੋ ਸੁਣਤਾ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਪੜ ਜਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤਕ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਪਿਆਨਾਂ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁਆਈ ਦੇ ਰਖਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਪੜੋ ਐ ਸ਼ੁਕਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਮਨ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐ ਅਰਸ਼ਾਖ ਅਕਬਰ ਫਰੌਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੇਖਿਆ ਆਲਮ ਜਿਹਨੇ ਉਮਰ ਪਰ ਦੋ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਛੜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਵਜ਼ੂਅ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਦਰੋਂ ਸ उद उन्होंने आख्या सूरज नहीं छुपया अल्लाह नवी शान च आ गया कि आराम का टाइम थोड़ा शुरू करता सही डिग गया और सूरज चढ़ता गया जैसे सर से गया हालात में ना माहौल अल्लाह ऐसा पैदा करता बेहोश हो वक्त खुद आता क्या अला से अगर डिग सूरज गया है सर से खड़ा हो जमें टैम की हालत सुंदा बंदा सीधा खड़ा तो फिर की है दलोक जिमें खूह में जाना शुरू करने सूरज भी चुग गया टालना की है तो खड़ा जरा सियान ઠલે ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ સાહેબ વળને શરૂ અલ્લાહ આнда ઉતે આસમાન تے સૂરજ ને ઉਦੇ નાળી ਤੁਹਾਡੇ جسمਾਂ دے સાયા ને رب ਨੂੰ સજદા કરતા તુસી આરામ ના બેઠે તુસી યાદ જ ની કર ਔર ચલਦਾ ચલਦਾ અસર دے وقتوں پہنچ گیا تے ઈશارہ ہو گیا બેજી જવાની ખતમ ہو گئی શવા માં મદમ પેગિયા બુઢાપા આ گیا દીગર تے દન گیا મુહમ્મદ ઓડે કનું છુપ જાન ਜમે ચડયા સી જાયા ઈ ના હું ડબન સે ایدા ઈ તેરા ਵੀ સૂરજ કે ફેર ਵੀ banda رب دے اگے ٹک گیا और इशा का वक्त होया जो बिल्कुल जान पान मुक् जमें चेता भी भुल जाता ना मरे का दो चार दिन गलों हो साल दो फिर लोगों को याद भी नहीं रहा भी कोई है सी ठाटा बड़ा है चाचा तायाद या? भुल जाती इसे तरह जो सूरज का आखिरी इंसान मगरब की तरफों सब कुछ मुक् गया ना सुरखी रही न सफ जी समान बराबर हो गया बंद ने ध्यान किया यार जिदा यदा तस्करा खत्म हो गया इदा ही तेरी भी गल एक दिन मुक् यानी औकात हो हालात और फिरे ना फिर अभी मेरा इन्हें दिन रब ने छोड़या बेहद कोई अकलमंद सोचूगा फिर आजाना ही आख्या कि मना रहा खड़े हो जाओ इन्होंने दवाई दि तोड़ा मालिक बना आके मेरे सामने चुप फिर कोई नमाज नाज नहीं आवा दलते तो सीजना उम्र की गल ठीक न रजियाला नो कि जो नमाज नहीं जरा पढ़ता वह इस्लाम की हिस्सा ला हजदा फिर इस्लाम है मा सला नमाज नहीं तो फिर उस दुआ जी मंगी अल्लाह दिन एक बंद ने बेशुमार दरूदो सलाम अल्लाह दिलसूलते तो नेक साथियों से हजरत अमरदी ने आके अल्लाह मालूम हूँ बे गल हो खत्म हो बेहोशी होंगी जी जा इस तो अगर शिफा मेरी किस्मत नहीं ना इस पेल मेरू मौत देते दे कि नमाज का वक्त लंघ जाए तो मेरे पढ़ ना सके नमाज रह जाए ना मेरे तो टाइम आने दी मैनू फिर उठा ला नमाज पढ़ता, पढ़ता पढ़ता चला जावा इस तु तो छब्बी सिर हज जिस दिन हजरत अमरजीन जख्मी होए तीन दिन वो जख्मी हालत रहा तो फिर बहुत हो गया इस पारों मैरसूला दिए हदीसा जरतरत सही उम्र का भी तस्करा आ गया मगर असल मकसूद तो हजूर की शदाकत का सी कि आपने किद पेशगोईया की और किस तरह साढ़े तक उस सही हदीसा पहुंची तो हो के रही हो गल मगर हजरत उम्र जी बिल्कुल यकीन जाणो जिमेंद पापच इस उमत वास्तव एक समझो ना जिमें चटखनी होंगी ना ज कुल लगा सी लफज ही उस हदीस गलखता आता ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਮਰ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਾਤ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ حضرت 우ਸਮਾਨ ਜੋਦੋ ਤਕਵਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ حضرت ਉਮਰ ਲਈ ਚੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਮਰ ਜੱਥਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਸੀ ਤਕਵਾ ਸੀ ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹ ਦੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫਤਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਮਮ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਇਹ ਦਰਸ کئی ਸਾਲ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਉਲਮਾ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਫਤਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਰਾ ਨਾ ਰੋ ਆਪਣੀ ਜਗ ਦੇ ਲੜਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਜਣਾ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ये सब कुछ सही हदीसा मौजूद है यदली किसी किस कहानी की जरूरत नहीं तो हजरत अमर रजीला तारा वाकई बाबा मुगल का ऐसा बंदा सी और इस बारों सन सैंटिस्ट जिस इलेक्शन अंग्रेज ने कराए इम्तिहानी तो भाई मैं आजादी देना चाहना मैं तजर्बा करके खाद ही मुल्क चलाना तो ज्यादा सूबे कांग्रेस की हिदारत बन गई कितने कितने मुस्लिम लीग भी बनी तो उसमें गांधी जी काफिर हिंदू ने जो चिट्ठी लिखी अपने वजीरहाजन वजीरहला जोड़े बने सूबे वो उन्हें आख्या कि अगर तुम सही हुकूमत करना चाहते जी तो तरीका अपनाओ जोड़ा अबू उमर ने अपने जमाने अपनाया काफर से गांधी उन्हें आख्या जो उमर ने की ना एडमिनिस्ट्रेटर उदा करो उमर कि नहीं करनी उमर को नहीं जमीनी उम्र से बाद एक जमया जिन्होंने फिर उमर एसानी असने वही भी उम्र की नसल जमया रजी अल्लाह तरह हजरत उम्र अजीम नसल चो जिनू उम्र इब ने अब्दुल अजीज किया जाए ਜਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਤ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ حضرت ਮਾਵੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕੀਤਾਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਉਮਰ ਬਨ ਅਬਦੁੱਲ ਰਜ਼ੀ ਜੰਪਿਆ ਕਿ حضرت ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਲਾਹ ਤਨਾ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟਿਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਦੁੱਧ ਉਸੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਲੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਦੇ कुछ पैसे वाद वटे जाने वो कह लगी माँ मीर उल मोमी ने हुक्म दता कि खारस दुध बेचा करो इस तू तो क्यों मैं पानी मिला तो माँ कहन लगी पुत अमीरल मोमी को कोई नाल तुरै फिर दा। मेरा आगाम पानी तो बच्ची ने आख्या मीरुल मोमी नहीं फिर माँ अर उल मोमी ने रब ना लिया हजर चमर ने मकान जरा सी रजिए कर लिया सवेरे ही गोदाम भेजे असलम पुछ गया तो बच्ची जी शादी हुई है या नहीं पता लगा नहीं आपने अपने बेटे की आसिमली रिश्ता लिया और जो बच्ची पैदा हुई जी उमर बन अब्दुल अजीद की माँ हजरत उम्र की पोती और उमर बेन अब्दुल अजीद की माँ है। इस तो उमर बेन अब्दुल अजीद ने जो अदल किया और दुनिया ने दोबारा विखाया कि मेरे नाने की रूह दोबारा आ गई है तो फुफी जड़ी सी फातमा जिन्हों खानदान लोगों ने आख्या याशी जी आदि हो गए सारे मुल्कों जागीराम बना लिया लुट्ट लिया बनू मैया ने इन्हने सब वापस और फातमा भेज फुफी तू जाके समझा बन दिया जो व्डे देगा खान पीन दे। खा, ना मनिया इन्हें आख्या भुफी ये मेरे प्यो की ज्यादा ये मेरे व्डे जुलम है मैं खत्म करना तो उन्हें जा के की गिला कर दे जे तो व्डे क्यों उम्र पोती लिया तो जहाँ जमना थी <laughs> उम्र की पोती चो योजा जमना उमर ऐसा सी रवी अल्लाह तला तो हजरत उम्र का आजल ते जोर से फकीरीयर ये कोई आसानी नहीं भाई ये उन्होंने जिस तरह की हुकूमत की है ये मननी पैनी है भावे को राजधी हो नाज आदिल जाहिद दुनिया तो पर कि शहर उंगल नहीं लगन दिखी शायद नहीं एक तौला लिया खजाने तो जब तक नमाज तो बाद नहीं पूछा बे बीमार है और तबीब ने शायद का आख्या जो इजाजत देंगे जो तौला लै लव वरना नहीं कोई जमने है। है। मगर वह बंद दरवाज़ा है सुमत ने तौर दिया कदर ना की पन दिता बाद फिर फितने जोड़े से आ गए अल्लाह खैर करे जिन शाला फितने हजूर की जबानी सही है जब सामने आन घबरा नहीं जहाँ कोई दुआई पानी बे बजुर्गों का हाल आ गया फराना बुजुर्गों के हाल अल्लाह ने छपाने याकूब अल स्लाम के पुतों के ना छपा देना नबिया के दे पोते से सूरत पूरी भर्ती है उन्होंने आह किए य तारीख तो अखा नहीं बंद करनी जो गलतियाँ हो गई उन्होंने मनना चाहिए बुरा परला नहीं कहना आप सब करना वाहिर उदाहरण अलहमद लाबिला अलहम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलह अलकरीम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबीही एकता मुहर्रमुल हराम भी आमद है मदनी मदीनी साहब तारक एकेडमी ने शाह की किताब पुरानी किताब है सैयद दाऊद अजनवी रहमतुल्लाह ने. अमीर से उस वक्त अपने एहले हदीस तमजीम दे वाय हुसैन रजीला तह लिखा तो इन्होंने इन शायद किया तो छोटा जा रसाला जरा असल इमाम हुसैन की जिंदगी सानू की मिलता रोन लोन जरा लफड़ दलां नहीं जो सीखना चाहिए ये सैयद साहब ने बहुत अच्छेअाज बयान करता या अबुल कलाम आज़ाद अच्छा बयान किया जा एना तो उस वाय हुसैन भी मदनी साहब लियाए है ये इन्होंने को हासिल कर लिया ऐ दूसरी गल ए एक साथी ने लिखा नमाज में रुकू के बाद मसनून दुआ बयान फरमा तो मौका आ गया कि अमूमन कई दोस्तों ने रकू की दुआ याद की रुकू तो उठ के मिली जी एक सहाबीय रसूल ने की हजूर ने समय अल्लाह हमला क्या तो उन्हें आख्या रबा ना वाला कल हमद हमदन कसीरम तयी तो बम वर ए पढ़ते रहेंगे कोई बुरी गल नहीं जो हजूर ने मंजूर किया बाद उन्हें आख्या मैं आपने आख्या मैं तीह तो ज़्यादा फरिश्तिया देखा कि दौड़ रहे कि कल मैं नोट कर एड् पसंद आए रब नू ए तैयार ना कर मगर बात से रसूला दी अपनी कि कोताही ही दूर करें हजूर की पढ़ते वो तो साहबी ने पढ़िया तो आपने मंजूरी देती सुनत तकर हो गई मगर खुद आप भी सुनम की वेख्या अक्सर लोगों को पता भी नहीं और ना कोई याद करने की कोशिश करता रसूल करीम इसमदायक तो यह सहाबा कराम ने बयान फरमाया कि सिर्फ क्याम खड़े होना अत्ता याद ये दो जुदे सी वरना रुकू रकू सीधा खड़ा होना सहीदा और दोवह सईद्यान बहना यह चारे बराबर होंगे इक्को ओना ही लम्मा रुकू ओनी लम्मी देर खड़े होना ओना लंबा सईदा ओना ही ये चार बराबर से क्या और जड़ा ना तुझे से तो इस तो छोटा भी ठीक है अलग जी छोटी गल्ह है काट भी हैं कट्टों कट्टे आदमी समय अल्लाह मन हमला तुबा रबा नम इन्ना करे गुजारा अगर इस तुम तो अगे बड़े रबा ना वला कल हम वाह फिर दा दाखिल करे इस तो सऊदिया तो लोग हल्के जाने फिर उन्हें रब्बा ना वला कल हम भी आते माम अमरमतुला ने कहा कि हजीसा बेशुमार वाह जायद आँदी है इस तो बड़ाल है अच्छा। ज् अल्लाह हम रबा लकल हम इस अगला तो जे अल्लाह होमा रबा ना वला कल हम चौथा इस तो अगे और जे इस तो लंबा करे तो फिर अल्लाह रबला गल हम मिल असमा वा ते व मिल अल अमा व मिला मा शे तमिन सहम बा सैयद आलम की अपनी दुआ है अल्लाह तेरी इन्नी हमद आसमान भर जा जमीना भर जा दरमियान भी पुर हो जाए व मिला मा शे तमिन सहम बातें भी गल ना मुके तो इलावा होर भी तू जिन्निया चाहना ना उनिया चेरियाँ हमदा हो ये आम थी मगर कभी कभी इस तुम अगे भी पढ़या चलो रिकॉर्ड हो जाए तो फिर एक दिन अपने कला तो बंद पढ़ ल फिर आ फरमा हक् मा कार अब वकुल अब ला माने लिमा थैता मोत आला फरमा कि सब तो सच्ची गल जी बंद कह सदा कि असि एल तेरे सारे गुलाम बंदे ही हाँ वह आ कि कवे ला माने लिमा थैता जी शायद तू देनी चाहे रोक नहीं सकता वरा मौत यार मा मराता जी तू रोक ली नहीं है देनी वो कोई दे नहीं सकता वरा यान फजल जद मिनकर जद और भावे किसा को किडी दौलत हो कि आली नसब का होकूमत का मालिक होदिया दिन त्यामत देखा नहीं दे तू नाराज हो इस तो यह है वह दुआं जसूर शराब पढ़िया चलो कला बंदा जरा करे जापादा वरना जमात थोड़ा जहा जरा ना मिला माशेता मिन सह बात करो ना आप भी दुआ इस याद करो ना सिर्फ हमदन कसीरन ती ना रहो ऐरान तहरीक इस्लामी के अजमा पर सोम बरोज़ उतवार मरखा बाईस वक्त साढ़े नौ बजे शुरू होगा मस्जिद की अहबाब से शिरकत की अपील है इस्लामी डायरी बेहतरीन दुआओं के साथ की साहब से हासिल करें साल की डायरी भी आयात हादीस लिखियाँ लह लिया करो चालीस पचास दीन की दी खिदमत का एक बहाना बनने का डायरी रखनी होंगी तोफीक जैत साहब को लो

वाहाना निलफहशाय वल मुनखड़े वल बगे आए वाल करुण ऐलाता अपनी मस्जिद के खजानची होंगे मास्टर शेरमसाब अला रहमत फरमाए फौत हो गया उन्होंने बच्चा सलीम ही अपना मौजन है वो दी वालदा फौत हो गई परसों ते शाह नमाज तो बाददा उन्होंने भी अरहोर मरहूमी भी दुआ करनी अला फजल फरना कर